Hello everyone, welcome back to our channel. This is the second part of the video that we created last time. तो first part में आपका था verbal ability का एक बहुत ही important question और बहुत ही important topic which was about subject, verb and agreement. अब आज हम करेंगे उसी topic का second part. So I would really request you that if you want to watch this video and understand this video, what you have to do is you have to go through the first part. अगर आपने already देख लिया, then you can directly dive in into this video. तो आपका जो हम next जो हमें rule करना है, वो ये है कि यार अब अगर हमारे indefinite pronouns हैं, तो how do we tackle them? पहले क्या होता था यार जितने भी pronouns थे या nouns थे, उन या तो they were singular या तो they were plural. यहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि singular है या फिर plural. तो हमारा क्या रूल है कि जितने भी indefinite pronoun है, everyone, each one, somebody, someone, ये सब हमेशा आपका hard and fast रूल क्या है? ये हमेशा क्या रहेंगे singular. तो इसका नीचे वाला ऑप्शन इज कम्प्लीटली करेक्ट. ईच बॉय एंड गर्ल हैज फिनिश्ड ब्रेकफास्ट. तो यहाँ पे हमारे लिए हैज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. हैव नहीं आएगा, हैव इज इनकरेक्ट. नाउ इसी का एक सेकेंड पार्ट ये है कि यार यही इनडेफिनेट प्रोनाउंस कुछ क्वान्टिफायर्स जैसे भी दिखते हैं. क्वान्टिफायर्स मतलब जो हमें क्वान्टिटी बताते हैं, जैसे फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम. तो इन क्वान्टिफायर्स का क्या करते हैं हम लोग, ये देखना पड़ेगा. ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. इसमें दे कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, दे कैन बी प्लूरल ऑल्सो. एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ आएगा. कोई भी आपका क्वान्टिफायर है, फ्यू, मैनी, सम, वॉट एवर, आप देखोगे कि उसके साथ अगर काउंटेबल नाउन है. कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन, जो हम काउंट कर सकते हैं. जैसे 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय. जैसे आइडियाज, 1 आइडिया 2 आइडिया 3 आइडिया 3 आइडियाज, ऐसे करके हम उनको काउंट कर सकते हैं. तो अगर काउंटेबल नाउन आपका प्लूरल लगाया गया उसके आगे, तो आप वर्ब भी कौन सा लोगे? प्लूरल. एज सिंपल एज दैट. तो फ्यू, फिर उसके बाद बॉयज है. चेक करो बॉयज काउंटेबल है या नहीं. इट इज काउंटेबल. 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय आप काउंट कर सकते हो, नंबरिंग दे सकते हो उनको. उसके साथ क्या लगेगा आपका? प्लूरल वर्ब. फ्यू बॉयज हैव कम. ओके, मूविंग ऑन. अब आपका अगर कोई भी क्वान्टिफायर है, उसके साथ अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लगा लिया. अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप नंबरिंग नहीं दे सकते हो, उनको आप यू कैन मेजर दैम इन डिफरेंट यूनिट्स. जैसे मनी हो गया. मनी अनकाउंटेबल इसलिए है बिकॉज उसको हम मेजर करते हैं रुपीज़ में, अलग एक यूनिट बनाया हुआ उसके लिए हमने. शुगर अनकाउंटेबल इसलिए बिकॉज उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में. आप ये नहीं कर सकते कि 1 शुगर 2 शुगर, आप ये चीज़ उसमें नहीं कर सकते हो. तो अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर, ये उसका रूल फिक्स्ड है. तो लिटिल मनी इज लेफ्ट, सम मनी इज लेफ्ट, तो कुछ भी आप लगाओ वो हमेशा सिंगुलर होगा. जो हमारा नेक्स्ट रूल है, इट इज़ अबाउट परसेंटेज या फिर जो आपकी प्रोपोर्शन होती है वो कैसी होती है. तो परसेंटेज मतलब जैसे आपके सेंटेंस से शुरू होते हैं, 40% ऑफ द बॉयज़, ठीक है, या फिर 40% ऑफ द शुगर. या प्रोपोर्शन में जैसे आपके सेंटेंस ऐसे शुरू हो रहे हैं, 1/3 ऑफ द बॉयज़, 1/2 ऑफ द बॉयज़, कुछ ऐसा शुरू हो रहा है. तो हम कैसे उसको मैंशन करेंगे? उसके लिए अगेन आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. यू विल हैव टू सी यार कि नाउन जो है वो कैसा है, उस हिसाब से सिंगुलर या फिर प्लूरल आपकी चीज़ लगेगी. तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी आपके सेंटेंस में आपने ऐड करना है आप आगे ऐड कीजिए. उसके बाद देखिए कि वो अगर काउंटेबल है, क्या है, अगर वो काउंटेबल है तो आप प्लूरल लगाओगे. जैसे 1 ऑफ द बॉयज़, तो अगर ये काउंटेबल था तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया, 1 ऑफ द बॉयज इज कमिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 बॉय आ रहा है. अगर यहाँ पे होता 40% ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे होता आर कमिंग, ठीक है. तो वो आप ध्यान देना उसका. अगर आपका नेक्स्ट चीज़ क्या है, अगर आपका अनकाउंटेबल है तो वही ऊपर वाला रूल, सेम रूल एज इट इज़. तो ऊपर वाला रूल क्या बोलता है कि अगर आपका जो भी चीज़ अनकाउंटेबल है तो वॉट यू विल डू इज आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे, ठीक है. तो जैसे नीचे मैंने लिखा है मोस्ट ऑफ दी लगा के शुगर अनकाउंटेबल मैंने चेक किया, ठीक है. उसके बाद इज पे अटक गए कि इज सिंगुलर वर्ब लगेगा वहाँ पे. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन. अब एक केस होता है यार कि जब हम ऐसे, सेम ऊपर वाला केस है उसी का एक सब केस है कि अगर अ नंबर ऑफ है या फिर द नंबर ऑफ है तो हम क्या करेंगे. तो अ नंबर ऑफ के साथ हम हमेशा उसको क्या लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, ठीक है. आ नंबर ऑफ के साथ हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लूरल. वाई? बिकॉज आ नंबर ऑफ का ना कुछ ऐसा है कि इट्स नॉट स्पेसिफिक, कहीं से भी कोई भी बच्चे आ सकते हैं, तो इसलिए आ नंबर ऑफ. तो यहाँ पे आ नंबर ऑफ बॉयज़, उसके साथ हमने क्या लगाया, प्लूरल आर. नीचे एक केस होता है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का मतलब होता है कि कुछ स्पेसिफिक लोग आने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? सिंगुलर। द नंबर ऑफ बॉयज दैट इज कमिंग टू द पार्टी इज ह्यूज। तो यहाँ पे हमने दोनों बार सिंगुलर लगाया। So this much it for the rules that we had for subject verb agreement. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you so much.